ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी कल ही मैंने एक पोल बनाया था जिसमें कि पूछा गया था कि मेरा अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए, तो उसमें से जो हाईएस्ट रैंकिंग थी वो थी वशीकरण की। तो आज मैं आपको, बहुत पुराना, लगभग 7 साल पहले मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, उसके बारे में बताऊंगा। लगभग 90% जो है फीमेल्स ने मुझे कहा कि उनका काम इस मंत्र से हफ्ते भीतर बन गया और ये एक चमत्कार की तरह उनके लिए काम कर रहा था। मैं भी इसके रिजल्ट देख के आश्चर्यचकित रह गया था कि इतना बेहतरीन मंत्र, और ये जो है ये मेरी बुक में मैंने पब्लिश कर दिया है, और इस मंत्र को करना बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई विधि विधान नहीं है। बस आपको संध्या काल के समय पूर्वमुखी होकर इस मंत्र की एक माला या दो माला, जितना यथासंभव जितना हो सके उतना आप कीजिए, और देखते ही देखते जो भी साध्य होगा वो आपके इतना समीप आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये लगभग 2000 के आसपास मैंने इसको पोस्ट किया था, और उस समय से आज तक इस मंत्र ने न जाने कितनों के काम बनाए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही मंत्र दूंगा जो बस आपका जो मनोरथ है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर दे। एक तो ये जो हीलिंग बाउल की साउंड आती है ना, तो मैं चुप हो जाता हूँ, ये मुझ पर बहुत असर करता है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ। अब होता क्या है कि जब वशीकरण मंत्र करने बैठे तो आपका आसन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका जो तिलक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को सबसे पहले तैयार करके रखिए। कुछ पुष्प होने चाहिए, कुछ जैसे आपके जो वातावरण है उसमें सुगंध होनी चाहिए। पूर्वमुखी होके बैठिए, तिलक लगाइए। तिलक लगाए बिना अगर आप बैठोगे तो इसमें चांसेस कम है कि आपका पूरा हो पाएगा। इस पर एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा तिलक का महत्व, उसमें आपको समझाऊंगा कि ये छोटी सी चीज़ आपका पासपोर्ट होता है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। और अगर वातावरण में सुगंध ना हो तो शक्तियाँ आपके आसपास नहीं आएंगी। शक्तियों को विचरण करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, वो होती है सुगंध। और दूसरा, अगर आप नहा के ना बैठे तो बस आप मंत्र कर ही नहीं सकते। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान रखकर इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ओम लकीम लकीम उसका नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से, ओम लकीम लकीम अमुक का नाम, मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को आपने 108 बार या जितना आप कर सकें, जितना अधिक करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि औषध और मंत्र में जितना घोट दिया जाए, जितना उनको बोला जाए, वो उतने ही पावरफुल होते हैं। इस मंत्र को करते हुए आपको पूर्वमुखी होना है, और एक ऐसा कमरा चुनिएगा जो कि हवादार हो, आसपास कोई ना आता जाता हो। और जब आप साधना का कोई, जैसे मान लीजिए आज से आपने साधना करनी है, तो आप देखिएगा कि जो चांद है, चांद जो है पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा हो, ना कि अमावस की तरफ जा रहा हो। जब चांद पूरा हो, मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो और उसकी जो प्रकाश वो बढ़ रहा हो,
उस समय इस मंत्र को कीजिएगा। अंधेर की तरफ अगर चांद जा रहा है तो इसको मत कीजिएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये मैं आपको सारे समझाऊंगा, लेकिन अभी बस आप यही समझ लीजिए कि जब चांद पूरा होने वाला हो या फिर पूर्णिमा हो या बीच में अगर चांद प्रकाश की तरफ बढ़ रहा हो, पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा हो, तब इसको कीजिएगा। या फिर पूर्णिमा, होली, दिवाली, इस पर भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई ग्रहण काल हो उसमें भी शुरू कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले एक अपना अलग ही रूम बना लीजिए, अगर रूम ना हो तो कोई छत बना लीजिए, कोई ऐसी झाड़ियों में या फिर किसी जंगल में, किसी गुफा में अपना स्थान बना लीजिए, जहाँ पर कि उस निश्चित समय पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उस समय सिर्फ आप हों और आसपास कोई ना हो। अगर अंधेरा करके रूम में बैठ जाओ और कुछ दिखे ना तो वो रूम भी पर्याप्त है, और बस मंत्र जप करते जाइए। जब तक आप करोगे तब तक जो है आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपका संपर्क जो है वो अलौकिक शक्तियों से होगा और आपका काम जो है वो देखते ही देखते बन जाएगा। साधना में सबसे ज़रूरी होता है कि आप शुद्धता का ध्यान रखें और आपका आहार जो है वो सात्विक होना चाहिए। जब ये करें तो आप इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए और एक शाम को जब दोपहर मिल रहे होते हैं, एक दोपहर मिल रहा होता है और एक शाम मिल रही होती है, उसके बीच का जो समय होता है उस समय आप इसको कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये एक ऐसा मंत्र है जो कि लाखों रुपए देकर भी आपको कोई ना दे, लेकिन क्योंकि मुझे सारे ऐसे प्रभावी मंत्रों का संग्रह बनाना है जो कि वास्तव में काम करते हैं, और वो आप सबके रिजल्ट के बाद जब आप उसका रिव्यू देते हैं तो मैं उसके बाद इनको शामिल करता हूं। तो अब इस मंत्र को भी ट्राई कीजिए और जिसका काम किसी से ना बन रहा हो वो इस मंत्र से बन जाएगा। बात आती आहार की, तो आप इसमें सात्विक आहार रखिए, दिन में थोड़ा ही खाएं और कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसमें कि फैट हो, फैट बहुत ज़्यादा हो, या फिर कुछ ऐसा जैसे पनीर है, पनीर को भी ना खाएं, बिल्कुल सात्विक सूखी रोटी और दाल खाएं। और अपनी साधना काल का 41 दिन, 40 दिन या 21 दिन, इसके बीच में बिल्कुल सात्विक रहें। ना आपको शराब पीनी है, ना कोई ऐसा व्यंजन खाना है जिसमें कि मिर्चियाँ तेज हों, तैलीय हो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं खाना है। कई लोग पूछते हैं सर अंडे तो खा ही सकते हैं, सात्विक का मतलब होता है कि छूना भी नहीं होता। पिछले ज़मानों में क्या होता था कि अगर कोई छू भी ले तो उसे अछूत कहा जाता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको विचार भी नहीं लाना है उसकी तरफ। अगर आप पूरे दिन सोच भी रहे हो कि मुझे ये वाला व्यंजन खाना था, भूख लग रही है, तो भी आपकी जो साधना है वो भंग हो जाएगी। आपका मन मस्तिष्क जब एक स्थान पर होगा उस समय पर चीज़ें काम करती हैं। कहीं मैंने बता दिया कि ये मंत्र ऐसे करना है और आप जो है अंदर ही अंदर विचार कर रहे हो कि आज रात को खाना कौन सा बनाना है, क्या खाना है क्या नहीं, और भूख बहुत लगी हुई है, तो ऐसे में चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको मन मस्तिष्क को एक ही जगह पर लाना होगा, और यकीन मानिए अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए तो आपको मंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके काम बनते जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप विचारों पर अपना कंट्रोल कर लें। अगर आपने विचारों पर मास्टरी कर ली तो स्वतः ही आपके काम होते जाएंगे, क्योंकि जो भी आप बाहर देख रहे हैं वो सबसे पहले आपके भीतर होता है। जब आप भीतर परिवर्तन लाते हैं तो बाहर की जो सृष्टि है ये अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है, और मंत्र भी कुछ इसी प्रकार काम करते हैं। मंत्र जो हैं वो आपके विचारों पर काम करते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, ये सब मंत्र आपको सिखाते हैं। जब आप एक लय में कोई मंत्र गुंफन करते हैं तो वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है, क्योंकि मंत्र कभी नष्ट नहीं होते।
ये ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं, और जब तक आप इस मंत्र का जाप करते हैं तब तक वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। जिस तरह से धरती धरा पर जो है, अगर आप कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो वापस आकर नीचे गिरती है, लेकिन दो चीज़ें हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, वो है अग्नि और आपके मंत्र। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। ये तब तक विचरण करती रहेंगी जब तक आप जो है अपना जो भी कर्म है उसको साध ना लें। कई बार ऐसा होता है कि बस वो मंत्र डाइटी के पास जाने ही वाला होता है, इष्ट देव के पास जाने ही वाला, तो उससे पहले ही लोग जो हैं वो हताश हो जाते हैं और मंत्र का जाप करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो है बिल्कुल पास जाकर भी आप हताश ना होए, क्योंकि कभी भी चमत्कार हो सकता है। आपको नहीं पता कि क्या पता एक ही दिन में आपको उसका फल मिल जाए, क्या पता दो दिन में मिल जाए। तो जब तक आप इसको साधना ले जाओ तब तक आप रुकिएगा मत। मंत्रों में होती है कि आप कितने उत्साह से इसको कर रहे हैं। अगर मन में ही खुशी नहीं है और फिर कर रहे हो तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगे। उत्साह लाइए और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जो मंत्र हैं वो नाटकीय रूप से आपके लिए काम करते हैं। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण पड़े हैं जिनमें कि लोगों ने सिर्फ विश्वास किया और उसके बाद जो है उनका काम देखते ही देखते बन गया। बल्कि ये इतना प्रभावी है कि एक जो लेडी थी उसने मुझे बताया कि वर्षों से, लगभग 5 वर्ष हो गए थे उनको न जाने कितने उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय नहीं लग रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरा वीडियो देखा और ये जो मंत्र है ये ट्राई किया, और यकीन मानिए उनका पहले ही दिन में उनका काम बन गया। तो मैं हैरान हूँ इस मंत्र के चमत्कार देखकर। और कल जब पोल में मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर वशीकरण मंत्र मांग रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं बना ही देता हूँ। और इसलिए मैंने ये बहुत ही बेहतरीन, ये टॉप 10 में आता है, मेरी जो डायरी है उसमें मैंने लिखा था, उसमें टॉप 10 में ये आता है। और ये मंत्र लगभग ऐसा है कि हर एक के लिए काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसा मैंने बताया वैसा कीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं किस दिन इसको शुरू करना है। इसको आप शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं, बुधवार के दिन शुरू कर सकते हैं और रविवार के दिन शुरू कर सकते हैं। ये 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में आप कभी भी, जो मैंने समय बताया है आपको, शाम के समय या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले संकल्प लीजिएगा कि जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो आप चाहे 108 बारी कीजिए, वो भी बहुत है, लेकिन रोज़ एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तो होगा ये कि जो सृष्टि है ये आपके साथ तालमेल मिला लेगी और जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही सामने होगा। कई बार तो लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मैंने एक ही बार मंत्र किया था और अब वो मेरे पीछे ही पड़ गया, उसी टाइम उनके पीछे पड़ गई। तो ऐसे भी चमत्कार होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए आस्था। मंत्रों में विश्वास कीजिए और फिर इसको करके देखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, और आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान करने में 48 घंटे हमें लगेंगे। तो व्हाट्सएप कीजिएगा जो भी परेशानी है, तो आपका जो कार्य है वो 48 घंटों के भीतर भीतर पूरा कर दिया जाएगा। धन्यवाद।